नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। आखिरकार लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल ही गया। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि नंदू भैया आदर्श कार्यकर्ता की पहचान है, उनका कार्यकाल स्वर्णिम इतिहास रहेगा। वहीं राकेश सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि आज का दिन पवित्र है, आज अक्षय तृतीया पर उन्हें कमान मिली। कल तक राकेश सिंह को पता ही नहीं था कि वे अध्यक्ष बनने वाले हैं, ये सिर्फ बीजेपी में होता है। साथ ही सीएम शिवराज ने दावा किया कि 2019 में मोदी फिर पीएम बनेंगे, प्रदेश में भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। राकेश सिंह के नेतृत्व में हम जबलपुर में मजबूत हुए हैं। उन्हें जो भी दायित्व सौंपा गया उन्होंने उसे पूरा किया। एक आदर्श कार्यकर्ता की पहचान है श्रीमान नंद कुमार सिंह चौहान। ऐसे हमारे आदरणीय नंदू भैया आज अक्षय तृतीया के दिन, परशुराम जयंती के दिन, और हम जानते हैं जिस काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं मिलता वो काम भी अक्षय तृतीया पर ही किया जाता है। ऐसे पवित्र दिन जो हमेशा अनादिकाल से शुभ माना गया है, भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने वाले हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिनको कल तक पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये विशेषता भारतीय जनता पार्टी की कि रस्ते में आपको खबर मिले कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए, वो अपने काम में लगे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।